सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, संस्कृत न्याय की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए 24वां न्याय लेकर के आया हूं, काक दंत गवेषण न्याय। इसका अर्थ है काक माने कौआ, दंत माने दांत, कौए के दांत, गवेषण माने ढूंढना खोजना, कौए के दांत के खोजने का न्याय। अर्थात किसी व्यक्ति से कहा जाए कि भाई कौए के दांत को खोज करके लाओ, तो जिस प्रकार से जो चिड़िया होती हैं, चिड़िया बर्ड्स होते हैं, उनका दूध नहीं होता है, क्या चिड़िया जो पक्षी होते हैं उनका, जो चिड़िया होती हैं उनका दूध नहीं होता है, मिल्क नहीं होता है, क्योंकि सिद्धांत है कि जो अंडे देते हैं उनका दूध नहीं होता है। और इसी प्रकार से खरगोश के सींग नहीं होते हैं, ठीक इसी प्रकार से कौए के दांत भी नहीं होते हैं। अब किसी व्यक्ति से कहा जाए चिड़िए का दूध ले आओ अथवा खरगोश के सींग ले आओ अथवा कौए के दांत ले आओ, तो वो सारी दुनिया खोज करके आएगा, परंतु उसको ना तो कौए के दांत मिलेंगे, ना चिड़ियों का दूध मिलेगा, ना उसको खरगोश के सींग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कौए के दांत होते ही नहीं है, चिड़ियों का दूध होता ही नहीं है, खरगोश के सींग होते ही नहीं है, माने जो चीज है ही नहीं उसको कोई ढूंढ ही नहीं सकता। इस न्याय का प्रयोग वहां किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का नितांत अभाव है ही नहीं, उस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए जो है ही नहीं संसार में, उसको प्राप्त करने के लिए जब कोई उद्योग करता है, परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, इधर उधर भागता है, ठीक है, पैसे लुटाता है, तब कहते हैं जो इसका ये व्यवहार है ये कैसा है, काक दंत गवेषण न्याय, कौए के दांतों को ढूंढने के समान न्याय जो है वो इसका व्यवहार है। अर्थात ये उस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहा है जो संसार में है ही नहीं, जिसका नितांत अभाव है, तब इस न्याय का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा मित्रों, आगे के 25वें न्याय के साथ मिलते हैं। लाइक अवश्य किया करें, शेयर अवश्य किया करें, यही संस्कृत माता का आपकी तरफ से स्वागत है, वेलकम है। सर्वेभ्यो नमः।